हेलो एंड गाइस, कैसे आप सभी गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं जो कि भारत पे एंड रिंग पे की तरफ से निकल कर आ रही है। पहले बात करते हैं भारत पे। फ्रेंड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भारत पे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि भारत पे का जो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है उसको अनब्लॉक करने का प्रोसीजर बताया था, एंड उसको मैं अच्छे से प्रोसीजर में साथ साथ मैं ये भी बताया था आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर मैं फिर से एक आपको अच्छे से तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पर आप भारत पे अकाउंट को कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसी के साथ इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे रिंग पे। एंड रिंग पे के ऊपर हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी कि रिंग पे का जो अमाउंट है जो आप रिपेमेंट करते हैं एंड उसके ऊपर जो चार्ज लगते हैं आप उसको चार्ज को कैसे रिमूव करेंगे, मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। बट यहाँ पर इस वीडियो में इतने अच्छे से नहीं समझाया था, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद रहने वाला है। एंड आइए देखते हैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाते हैं कि आपको यहाँ पर भारत पे का अकाउंट कैसे अनब्लॉक करना है एंड यहाँ पर कैसे आप रिंग पेमेंट रिपेमेंट को कैसे करेंगे विदाउट एनी चार्ज के। एंड ऐसे के साथ चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आने के बाद आपको अपने भारत पे एप्लीकेशन को अपडेट जरूर करना है एंड अपडेट करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम सिंपली इसको ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ओपन करें, जैसे कि मैंने फ्रेंड आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि भारत पे ये अकाउंट हमारा ब्लॉक हो जाता है उसको अनब्लॉक करने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ पर किसी लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका मैं फुली डिटेल आपको बताऊँगा एंड यहाँ पर आपको कहाँ पर अपलोड करना है उसके बारे में बताऊँगा एंड कैसे आपको अनब्लॉक करना है उसके बारे में भी बता दूँगा। एंड जैसे कि यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर जहाँ पर आपका बैलेंस होता है वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपका बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक यहाँ पर लिखा नज़र आता है, बट यहाँ पर अब हमारे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था। हमने यहाँ पर अपना सबका सब अमाउंट जितना भी था हमने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया, अपने बैंक अमाउंट को निकाल लिया है ताकि यहाँ पर हमारे अकाउंट के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, आगे चलकर हमको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े, ना ही हमको यहाँ पर भारत पे से कॉन्टैक्ट करना पड़े, ना ही हमको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़े, क्योंकि हमारा पैसा है एंड यहाँ पर हम अपने पैसे के लिए इतना संघर्ष करें इसलिए हम यहाँ पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट यहाँ पर अब क्या होता है, किसी का अकाउंट यहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है। और ब्लॉक क्यों किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी में वीडियो बताया कि वो अपने ही कार्ड से ऑर्डर करता है, यहां पर ऐड टू कार्ड लेता है, यहां पर इन्वेस्ट कर लेते हैं एंड यहां पर जैसे कि यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर क्या करते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने 25,000 किए, 10,000 के, 1 रुपया किए, 10 रुपये किए, आपने अपने ही कार्ड से ऑर्डर कर अपने कार्ड से यहां पर इन्वेस्ट कर लिया एंड इसके बाद यहां पर क्या अपने 12% में अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी एंड जब आप उसको फिर से विड्रॉ करते हैं अपने 3-4 अकाउंट से फ़ोनपे से यहां पर मनी एक्सेप्ट करने अपने भारत पे में मनी एक्सेप्ट करने के लिए कर लेने लगे क्योंकि आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट कैशबैक कुछ मिल जाए इसलिए करने लगे, तो यहाँ पर ये काम करना आपको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर बंद करने के बाद अगर यहाँ पर आपको अकाउंट ब्लॉक है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं बताऊँगा। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, योर भारत पे अकाउंट हैज़ बिन ब्लॉक सो वी रिक्वायर्ड दिस डॉक्यूमेंट GST सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैंने GST सर्टिफिकेट के बारे में बताया था। फ्रेंड, GST सर्टिफिकेट वो होता है गुड सर्विस टैक्स जो यहाँ पर बड़े बड़े मर्चेंट होते हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी प्रोसीजर रहने वाला है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहता है एंड यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड जो सभी के पास होता ही है एंड बैंक स्टेटमेंट ये भी आपके पास आसानी से मिल जाएगी। लास्ट 30 डेज, यहाँ पर आपको 30 दिन की यहाँ पर लास्ट जो पीछे 30 दिन बीत गए हैं उसकी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट चाहिए कि आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ से मनी रिसीव हुआ है उसका चाहिए एंड यहाँ पर शॉप के यहाँ पिक्चर्स चाहिए, जहाँ से आपको दुकान है वहाँ की फ़ोटो खींचनी है, 3-4 फ़ोटो खींच लेनी है आपको यहाँ पर सिंपली, ये भी आप कर लेंगे आराम से। आप कोई भी अपना तरीका बनाकर यहाँ पर फ़ोटो खींच लें, यहाँ पर स्टेटमेंट तो आप यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट करवा सकते हैं एंड यहाँ पर एंड लास्ट 5 ट्रांजेक्शन व्यू, आपको फिर से लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, आपने 30 डेज के लास्ट ट्रांजेक्शन तो दे दिए, अब उसके यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन और देने हैं पर वो लास्ट के देने हैं। यहाँ पर वो देने के बाद आपको एक मेल दे रखा है socialsupport@bharatpe.com पर, यहाँ पर आपको क्या करना है इसको अपलोड करना है एंड मेंशन यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ लिख देना है एंड यहाँ पर उसके साथ क्या लिखना है सोशल मीडिया इश्यूज़, ये लाइन आपको लिखनी है एंड यहाँ पर इन द सब्जेक्ट लाइन ये लाइन आपको लिख देनी है एंड यहाँ पर क्या करना है अपलोड करना है जाना है एंड मेल पे जाने के बाद वहाँ पर ये वाला आपको ईमेल आईडी डालनी है एंड यहाँ पर ये भरने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स बोले हैं GST, अगर ये आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ देना है।
पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट ये आपको बहुत कंपलसरी देना पड़ेगा। शॉप पिक्चर ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। एंड लास्ट फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन ये तो आपको देने ही पड़ेंगे। इसका यहाँ पर GST जो सर्टिफिकेट है इसका हम यहाँ पर अभी नहीं बोलेंगे मैंडेटरी। यहाँ पर ये वाला जो है इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर हम मैंडेटरी बोल सकते हैं, ज़रूरी है, आपको ये अपलोड करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर अपने मेल के ऊपर आपको यहाँ पर कस्टमर की तरफ से एक रिप्लाई आएगा। वो रिप्लाई कर आपको आने के बाद आपको यहाँ पर वेट बोला जाएगा, टाइम लगेगा फ्रेंड। ये से कि नहीं है कि यहाँ पर आपका इंस्टेंट एक्टिवेट कर दिया जाए अकाउंट, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत पे में अकाउंट सभी का ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर बहुत जनों के पैसे यहाँ पर फंस चुके हैं, बहुत जनों के यहाँ पर अमाउंट अभी भी स्टक हो रखा है, बट यहाँ पर अभी कोई चांसेस नहीं है। बट यहाँ पर भारत पे ने अभी फ़िलहाल ये कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, आप ये हमको पे कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स हमको भेज दीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर आपकी वेरीफाई करेंगे, वेरीफिकेशन होगा, आपको यहाँ पर फोन आएंगे, कॉल आएंगे एंड आपसे पूछे जाएंगे डिटेलें। अगर आपको सही सही से जवाब बिना डरे देना है, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ की तो यहाँ पर आपका कोई भी कुछ नहीं हेल्प कर सकता है। यहाँ पर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा आपका ही फंसा है। हम तो यहाँ पर सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। पर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि ये एप्लीकेशन रहने वाला है, इसको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर अपन साइमरी वगैरह वगैरह करके कर लेना है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको करना है जैसे पे अर्ली के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिले हैं। बट यहाँ पर आपको किसी भी मेथड के ऊपर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको या तो बैंक ट्रांसफर रहने लेना है या तो पेमेंट व्यू UPI। अब मैं रिकमेंड करूँगा आप, मेरा अच्छा रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पर पेमेंट व्यू UPI से करना है। बट यहाँ पर UPI करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या देखने को, आपको UPI ID देखने को मिलेगा। फ्रेंड जिसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना UPI देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको UPI को ID को कॉपी जरूर कर लेना है। एंड जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना, आपको यहाँ पर मेन एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना। जैसे कि हम जाते हैं, हम Amazon के अंदर ही यहाँ पर पेमेंट अपन करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंटर UPI डालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा से कट चुका है बैलेंस एंड यहाँ पर हमारे से हमारे अमेजोन से जो हमारा बैलेंस कट के वहाँ पर रिंग पे के यहाँ रिपेमेंट सेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना टाइम लगेगा वही हम देखेंगे। एंड यहाँ पर देखिए 2:28 पर हमने यहाँ पर रिपेमेंट किया। एंड यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, 5 मिनट्स के अंदर भी आ जाता है, कभी कभार आधा घंटा भी लग जाता है। बट यहाँ पर हमारा अमाउंट यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा चुका। जैसे कि हमको रिंग पे की तरफ से यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, डियर यहाँ पर हमको 10 रुपीज़ यहाँ पर हमारा रिपेमेंट हो चुका है। इन केस एनी क्यूरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट पे विद, ये नंबर हमको दिया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने को बोला गया। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली हमारा ऐड कर दिया गया, यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रूफ करके भी दिखा दिया हमने। एंड यहाँ पर हम आपको एप्लीकेशन के अंदर जाकर भी दिखा देते हैं, प्रीपेमेंट हो चुका 10 रुपये। यहाँ पर 2:28 पर आप देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, वही टाइम पर हमको यहाँ पर रिपेमेंट हो चुका है। एंड यहाँ पर हमको कोई भी चार्ज भी नहीं लगा, यहाँ पर हमारा 10 रुपये दिए तो हमको 10 रुपये यहीं पर हमारा कट चुका। एंड यहाँ पर आपको बैलेंस भी नोट करा दिया था कितना था। एंड यहाँ पर आपको सामने सामने लाइव प्रूफ करके दिखा दिया, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आप यहाँ पर भारत पे का अकाउंट कैसे अनब्लॉक करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखें, कहाँ अपलोड करना है। एंड यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से प्रोसीजर बताया। एंड इसी के साथ मैंने बताया कि आप रिंग पे की रिपेमेंट को कैसे विदाउट एनी चार्ज के कैसे रिपेमेंट करेंगे एंड कैसे उसकी लिमिट को कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझा दिया है। बट अगर आपको कुछ लगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में रिप्लाई करूँगा, अगली वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड इसी के साथ क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त। फ्रेंड वीडियो को समाप्त करने से एक और मैं पहले बात करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे सोशल लिंक से ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक नीचे दे रखा है, इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड क्या करते हैं, यहीं पर हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।